हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाले एकांश मिश्रा। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। 2.3 के क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि हमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी इसमें पार्ट दिए गए हैं, उसमें जो पॉलिनोमियल पी एक्स है उसको हमें डिवाइड करना है जी एक्स से। उसके बाद हमें उसमें कोसेंट और रिमाइंडर बताना है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए गाइस हम करते हैं क्या है, जैसे अगर हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो गाइस इतनी बात हमेशा ध्यान रखना कि हम पी एक्स को जी एक्स से तभी डिवाइड कर सकते हैं जब पी एक्स की जो डिग्री हो, मतलब कि जो पी एक्स की डिग्री हो वह जी एक्स की डिग्री से बड़ी हो या तो उसके इक्वल हो। मेरी बात को ध्यान दीजिए, पी एक्स की डिग्री जी एक्स से बड़ी होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए, तभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो जैसे इसमें है पी एक्स की डिग्री क्या है, 3। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था इसकी 2, मतलब कि पी एक्स हम जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, पी एक्स की डिग्री जी एक्स से बड़ी होनी चाहिए और बड़ी भी है। तो हम चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं गाइज, हम इसके फर्स्ट वाले टर्म, इसको फर्स्ट वाले टर्म, इसको फर्स्ट वाले टर्म को देखते हैं। अब इस जी एक्स में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये फर्स्ट टर्म आ जाए, हमें कोशिश हमारी यही रहती है कि फर्स्ट टर्म कट जाए इसका। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कट जाएगा, एक्स एक्स टू जा माइनस 2x, एक्स स्क्वायर जा एक्स क्यूब। अब गाइज माइनस 2x को हम यहाँ इसलिए लिखे क्योंकि यक्स के नीचे यक्स रहेगा, क्यूब के नीचे क्यूब रहेगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर रहेगा। तो अब हम इसको किए, अब डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब माइनस क्यों, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब प्लस 5x प्लस 2x तो क्या आएगा, प्लस 7x आया, माइनस 3x स्क्वायर माइनस लिख लेंगे और माइनस 3, पूरे इक्वेशन को हम एस्टिज उतार लेंगे इसमें। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या कोशिश रहती है कि हम फर्स्ट वाली टर्म को कैंसिल कर दें किसी तरह इसमें मल्टीप्लाई करके। अब हमने सोचा कि अगर हम इसमें माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा क्योंकि इसकी डिग्री तो सेम है। तो हमने क्या किया, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, माइनस 3 टू जा प्लस 6, प्लस 6 क्यों आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 3x स्क्वायर। अब डिवाइड है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस, तो एक कैंसिल हो गया। अब ये आएगा माइनस 3 माइनस 6 आएगा माइनस 9, अब प्लस 7x ऐसे एज इट इज रहेगा। अब हमें इसको डिवाइड कैसे करना है, लेकिन हमने देखा कि इसकी जो डिग्री है इससे कम है, तो मतलब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा एक जो क्वेश्चन हुआ यहीं पे एंड हो गया क्योंकि इसकी डिग्री छोटी हो गई। हम डिवाइड तब तक कर सकते हैं जब तक इसकी जो डिग्री हो जिससे जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री या तो इसके इक्वल आए या तो इससे इसके बराबर आए या तो इससे बड़ी आए, तो तब तक डिवाइड कर सकते। तो हमने क्या देखा, कोशेंट हमारा क्या आया, कोशेंट कोशेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 आया। अब रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 7x माइनस 9। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें पी एक्स दिए गए एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स दिए गए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये कैसे दिया गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि माइनस एक्स है इधर लाएंगे तब भी माइनस एक्स रहेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन लेकर आप घबराइए मत, उसको आप सॉल्व करिए और ऑटोमेटिक उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व हुआ।
तब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो पी एक्स क्या है, पी एक्स यहाँ पर है एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x + 5, ये हुआ। अब जी एक्स क्या है, x² माइनस x + 1। अब हमने क्या बताया था कि फर्स्ट वाली टर्म को इस तरह मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म कट जाए। तो हमने देखा x² है, यहाँ पर x⁴ है, तो अगर हम x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा। तो x² से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आएगा क्या, ये आएगा x⁴ माइनस x³ प्लस x². अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर x³ आ गया, ऊपर x³ नहीं था, तो घबराइए मत, आप क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व करिए, आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पर साइन चेंज किया, तो प्लस माइनस, तो x⁴ से x⁴ कट गया। अब x³ है तो x³ को पहले लिखेंगे, क्योंकि जिसकी डिग्री जिसकी पावर बड़ी होती है हम उसको पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या है, -3x² और -x² मतलब कि 4x, -4x² हो जाएगा, तो -4x² प्लस 4x + 5। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म कट जाए। तो हमने कहा x से अगर मल्टीप्लाई कर दें प्लस x से तो हमारा कट जाएगा, तो प्लस x से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x³ माइनस x, x जब -x² प्लस x। अब इसको ऐसे किए, अब इसमें क्या साइन चेंज हुआ, माइनस प्लस माइनस हुआ, तो x³ से x³ कैंसिल हो गया। -4x² में अगर एक x प्लस 1x या 1x² अगर ऐड करेंगे तो आएगा -3x² -3x² प्लस, अब 4x में अगर हम एक x घटाएंगे तो 3x से आएगा प्लस 5, हम एस्टिज उतार लेंगे। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें इसमें कि -3x² कट जाए। हमें फर्स्ट वाली टर्म देखनी है, फर्स्ट वाली टर्म हमें किसी भी तरह कैंसिल करनी रहती है। तो हमने देखा यहाँ पर x², यहाँ भी x², तो हमने कहा -3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कम हट जाएगा, तो -3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आएगा -3 -3x² अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3x यहाँ पर जाएगा -3। अब जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो साइन होगी चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो गया, +3x -3x कैंसिल हो गया, +5 से +3 अगर होगा तो +8 आएगा। तो मतलब कि हमारा कोसेंट क्या आया, कोसेंट आया x² प्लस x-3, और रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 8। अब गाइज हम इसके आगे इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 8 आ जाए फर्स्ट वाली टर्म, इसकी जो डिग्री है यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पर डिग्री की सवाल ही नहीं उठता, तब इससे आगे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है कि कह रहा है पी एक्स हमें दिया गया x⁴ -5x + 6, और जी एक्स हमें दिया गया 2 -x². तो हमने देखा जी एक्स 2 -x², तो हम इसको जी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं -x² + 2 लिख सकते हैं, इसलिए हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, x⁴ -5x + 6। अब जी एक्स क्या है, -x² + 2 है। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि x⁴ कैंसिल हो जाए, तो हमने देखा -x² है, अगर हम यहाँ पर -x² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x⁴ कट जाएगा, तो हो जाएगा -x² तो आएगा -x² से x⁴, अब -2x² हो जाएगा -2x². अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो हमें इसे घबराना नहीं है, हमें सॉल्व करते रहना है, आंसर आएगा, खुद सॉल्व होगा।
अब क्या होगा, यहाँ पर साइन चेंज कर माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स की पावर फोर से एक्स पावर फोर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर प्लस टू एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिख लेंगे, माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब हमें देखना है कि हम किस नंबर से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें कि टू एक्स स्क्वायर आ जाए और कैंसिल हो जाए। तो हमने देखा माइनस टू एक्स स्क्वायर है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब कि डिग्री सेम है, तो अगर हम माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा। तो माइनस टू से हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और टू एक्स स्क्वायर माइनस 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 टू प्लस टू फोर हो जाएगा माइनस फोर। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्योंकि साइन चेंज हो जाता था, ए कैंसिल हो गया। अब आएगा माइनस फाइव एक्स, अब सिक्स प्लस फोर टेन, इतना आया। अब हमने सोचा कि अब हम इसको कैसे डिवाइड करें। इसकी जो डिग्री है, मतलब कि जो अभी इस वक्त पी एक्स है, मतलब जिसको हम डिवाइड करें उसकी डिग्री इससे छोटी है, क्योंकि इसकी डिग्री टू है, इसकी डिग्री वन है, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक यहीं तक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर कोशेंट क्या आया। कोशेंट, और कोशेंट बता देना है, कोशेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, रिमाइंडर रिमाइंडर आया माइनस फाइव एक्स प्लस टेन, ये हो गया। अब हम सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कहता है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब कि हमें चेक करना है कि पहला पॉलिनोमियल, मतलब कि पहला पॉलिनोमियल फैक्टर है इसका सेकेंड पॉलिनोमियल का। इसको कैसे करेंगे, डिवाइड करना है सेकेंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से। तो बहुत ईजी सा है, हमें इसको हमें इससे डिवाइड करना है जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो समझ लीजिएगा ये फैक्टर है। तो चलिए करते हैं। तो इसका क्या आएगा, टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको आएगा टी स्क्वायर माइनस थ्री से हम डिवाइड करते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस थ्री से हम डिवाइड करते हैं। तो अब हमें क्या देखना है कि टू टी की पावर फोर, अब हमें इसमें क्या करना है कि टी की पावर टू टी की पावर फोर आ जाए। तो हमने देखा यहाँ पर डिग्री इसकी टू है, इसकी फोर, अगर हम टू टी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा टू टी की पावर फोर। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो टू टी की पावर फोर कहाँ लिखें, तो यहाँ लिख देते हैं टू टी की पावर टू से अगर हम करेंगे तो आएगा टू टी की पावर फोर माइनस, अब टू टी की पावर टू से अगर हम करेंगे तो माइनस टू थ्री जा सिक्स, माइनस सिक्स थ्री स्क्वायर माइनस सिक्स टी स्क्वायर आएगा, तो माइनस सिक्स टी स्क्वायर आया। अब हम इसको क्या करेंगे, सब साइन चेंज कर माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी स्क्वायर आएगा प्लस फोर टी स्क्वायर ए, और इसको एस टीज उतार लेंगे, एक क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए, तो माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व, इतना हुआ। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें टू टी स्क्वायर में कि थ्री टी क्यूब आ जाए। अब हमने देखा कि अगर हम थ्री टी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमने क्या किया थ्री प्लस थ्री टी से हमने कर दिया, प्लस थ्री टी से हमने किया तो प्लस थ्री टी से हमने किया तो आएगा प्लस थ्री टी से हमने किया तो आएगा थ्री टी क्यूब थ्री थ्री जा नाइन माइनस नाइन्टी तो आएगा माइनस नाइन्टी, इतना हुआ। अब उसके बाद साइन चेंज करना, माइनस प्लस हो जाएगा तो ए कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस प्लस कैंसिल, तब यहाँ पर आएगा फोर टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व। अब हम इससे टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि फोर टी स्क्वायर आ जाए। अब हमने देखा कि अगर हम इसमें फोर से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर टी स्क्वायर आ जाएगा, तो हमने क्या किया प्लस फोर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा फोर टी स्क्वायर फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व। तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल जीरो,
क्या मतलब कि टी स्क्वायर माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो मतलब कि हेंस इट इज अ फैक्टर, हेंस हेंस इट इज अ फैक्टर। तो एक हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो समझ लेंगे फैक्टर है। तो चलिए करते हैं। तो हमने किया 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x2 प्लस 2x+2 हुआ। अब इसको हमने x² प्लस 3x+1, अब हमें क्या करना है, पहले वाली टर्म को देखें, कंपेयर करें। तो हमने देखा यहाँ पर 3x4 है, यहाँ पर x² है। अब हमें इस किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3x4 कट जाए। तो हमने देखा कि अगर 3x² से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएगा, तो वो आएगा यहाँ पर 3x² से किया तो यहाँ जगह 3x4 प्लस 9x3 प्लस ये आएगा 3 बन जाए 3x² इतना हुआ। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब 5x3 में -9x3 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -4x3 और यहाँ पर -7x² -3x² आएगा -10x² +2x+2, हम इसको एस्टेस उतार लेंगे। अब हमें इसमें देखना है कि इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -4x3 आ जाए। तो हमने देखा अगर -4x से मल्टीप्लाई करें तो काम बन सकता है हमारा, तो हमने किया -4 से किया तो आएगा -4x3। अब -4 यहाँ पर करो, 4 3 जा 12 -12, अब x है तो ये x ऐसे कर लेंगे 12x, अब -4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब सॉरी गाइस, यहाँ पर x होना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा तो 12x², यहाँ पर आएगा 4x, तो ये आएगा तो 10 -10x² +12x² तो आएगा +2x², यहाँ पर 2x+4x आएगा +6x+2। अब हम इसमें क्या करें, हमने देखा कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² कैंसिल हो जाए क्योंकि इसकी डिग्री तो सेम, तो हमने +2 से मल्टीप्लाई कर दिया। +2 से मल्टीप्लाई किए तो आएगा 2x², 2 3 6 6x+2, अब जब इसकी साइन चेंज होगा तो कैंसिल हो गया पूरा, तो यहाँ पर 0 है, तो मतलब कि 0 रिमाइंडर 0, तो इट इज़ अ फैक्टर ऑफ, हेंस हेंस इट इज अ फैक्टर। अब गाइस जो थर्ड पार्ट है उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा, आप उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आ रहा है, मैं समझ जाऊंगा कि आपने किया है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।